आज हम कवर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे कवर करूंगा ब्लॉक पर बेस्ड थ्योरी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपको मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करा रहा था तो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको इस NLM के यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 3 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं। लेकिन अब आपको एक लेक्चर और ऐड हो गया है इसमें, वो मैं आपको कराऊंगा लेक्चर नंबर 4, दैट इज पुली के कॉन्सेप्ट और पुली पर बेस्ड थ्योरी। अगर मैं ब्लॉक के अंदर ही जो मैं आपको आज कराऊंगा ब्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं, ब्लॉक की जो थ्योरी है, अगर इसके अंदर ही मैं पुली को लेके आता तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता। इस वजह से मैंने पुली को भी अलग डिवाइड कर दिया है। इसी वजह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 4 लेक्चर आएंगे। ऑलरेडी मैं आपको 2 करा चुका हूँ, 3rd आपका ये है, और इसके बाद जो मैं कवर करूँगा वो होगा पुली की थ्योरी और पुली पर बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ मैं आपको कवर करूँगा ब्लॉक की थ्योरी और ब्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, यानी मोशन ऑफ ब्लॉक। यहां मैं आपको जितनी भी ब्लॉक की थ्योरी कराऊंगा, ठीक है, वो ब्लॉक की थ्योरी फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए एप्लीकेबल होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपको जो अपने एयरफोर्स नेवी SSR के लिए पढ़ना है वो पढ़ना है किसी फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए आपको ब्लॉक के कॉन्सेप्ट, यानी घर्षणहीन। यहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, सरफेस जो है वो स्मूथ होगी। मैं किसी क्वेश्चन के अंदर अगर नहीं बोलता हूं तो दैट मीन्स आप समझ जाना कि वो जो सरफेस है वो कैसी है, फ्रिक्शन लेस है या स्मूथ सरफेस है। तो हम जो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे ब्लॉक के, वो कॉन्सेप्ट किसी फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन, वहां मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने आपको फ्रिक्शन यानी घर्षण टॉपिक नहीं कराया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहा हूँ। यहाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी फ्रिक्शन लेस सरफेस होंगी, यहाँ कोई भी घर्षण या फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब देखो मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज, यहाँ मैं आपको मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज 2 पैरामीटर पर एक्सप्लेन करूंगा, एक तो फॉर 2 बॉडीज और एक फॉर 3 बॉडीज, ठीक है। तो देखो मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज, ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा फॉर 2 बॉडीज। देखो ये मेरे पास यहां पे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ब्लॉक तो ये है, ठीक है, जिसका मास है m1, ठीक है, और एक ब्लॉक ये है जिसका मास है m2, ठीक, दैट इज m2, और ये किसी सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में एक रस्सी से कनेक्ट है, इस तरीके से बंधे हुए हैं एक रस्सी से, ठीक है, रोप या थ्रेड बोल दो, ठीक है, रस्सी से इस तरीके से बंधे हुए हैं, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, इस M2 ब्लॉक को F4 से खींच के ले जा रहा हूं, ठीक है, F4 से खींच के ले जा रहा हूं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में त्वरण भी होगा। इतनी बात क्लियर है? तो इस टाइप के जो सवाल है यहां आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछता है। जब आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां से आपको 2 ही क्वेश्चन पूछता है। पहला कि इस पूरे सिस्टम का एसेलेरेशन कितना होगा, दूसरा इस पूरे सिस्टम का टेंशन कितना होगा, यानी तनाव खिंचाव। ये आपको यहां 2 ही चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो पहले आप टेंशन देखो, टेंशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। टेंशन, टेंशन को हिंदी में बोलते हैं तनाव या खिंचाव, ठीक है,
तनाव बोल दो या खिंचाव। एक्चुअल में जो टेंशन होता है वो एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है, और तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होती है, ठीक है। तो देखो ये M2 ब्लॉक है और मैं इसको F4 से खींच के ले जा रहा हूं। अगर मैं इसको खींच के ले जा रहा हूं तो M1 ब्लॉक भी इसके साथ आ रहा होगा। तो हो क्या रहा होगा, जब मैं इस M2 ब्लॉक को F4 से खींच के ले जा रहा हूंगा तो ये जो रस्सी है, ये वाली रस्सी, ये इसमें खिंचाव पैदा हो रहा होगा, ठीक है। खिंचाव रस्सी के हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, रस्सी के हर पॉइंट पर एक खिंचाव लग रहा होगा। उस खिंचाव या तनाव को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। क्लियर है? तो जब मैं इसको F4 से इस M2 ब्लॉक को ले जा रहा हूंगा तो इस रस्सी के हर पॉइंट पर एक खिंचाव पैदा हो रहा होगा। उसी खिंचाव या तनाव को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। और टेंशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्लियर है? दूसरी बात, टेंशन की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूं। टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगता है, बॉडी से दूर। जैसे मैंने तुमको बताया जब इसको F4 से खींच के ले जा रहा हूं तो यहां एक खिंचाव पैदा हो रहा होगा। तो देखो इस बॉडी, ये जो M1 बॉडी है, तो M1 बॉडी से टेंशन जो लगेगा वो अवे लगेगा, दूर लगेगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ, दैट इज टी टेंशन। क्लियर? अच्छा अबे M2 बॉडी है, इस रस्सी की वजह से इस पर भी टेंशन लग रहा होगा, वो किधर की तरफ लग रहा होगा, इस बॉडी से अभी लग रहा होगा, यानी इधर की तरफ, दैट इज टी टेंशन। कोई प्रॉब्लम? तो मतलब जो टेंशन लगता है वो बॉडी से अवे लगता है। एक बात क्लियर? दूसरी बात, अगर ये दोनों बॉडी एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, यानी दोनों बॉडी इसी रस्सी से कनेक्टेड है, तो इस रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, ठीक है ना। यानी इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए यहां जो खिंचाव पैदा होगा वो हर पॉइंट पर कैसा होगा, वो सेम होगा। तीसरा पॉइंट, जो टेंशन होता है वो अलोंग स्ट्रेट लाइन लगता है। क्लियर है बात? तो ये तो हो गया आपका टेंशन। अब देखो यहां मैं आपसे बोलूं कि ये टेंशन है, अब आपसे मैं बोल रहा हूं इस पूरे सिस्टम का क्या आपको कैलकुलेट करना है। आपको एक तो पहली बात, एसोलेशन ऑफ द सिस्टम, एसलरेशन ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना है, इस पूरे सिस्टम का त्वरण एक्सप्लेन करना है कितना आएगा निकल के। दूसरा आपको यहां क्वेश्चन है कि ये टेंशन टी कितना होगा, कितना खिंचाव पैदा होगा, तो आपको टेंशन एक्सप्लेन करना है, टेंशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टेंशन ऑफ द सिस्टम। ये दो चीज आपको यहां मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहले देखो लॉजिक क्या है। सबसे पहले अगर ऐसे आपको सवाल करने हैं ब्लॉक के, तो हमेशा आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, वो थोड़ा इजी रहता है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस पर तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की नीड नहीं होती। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसी थ्योरी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। जब तक फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक माइंड में चीज़ें नहीं जाती हैं। तो देखो पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे हम बोलते हैं एफ बी डी। तो पहले समझो फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या होता है। एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसी पिक्चर जिस पर मैं आपको सभी फोर्सेस एक्सप्लेन करूंगा, उस डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो मैं आपको यहां दो डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करने, एक तो M1 मास के ब्लॉक का और एक M2 मास के ब्लॉक का। देखो ये मेरे पास M1 मास का ब्लॉक है और मुझे इसका FBD बनाना है। ये M1 मास का ब्लॉक है और ये है आपका M2 मास का ब्लॉक। क्लियर? देखो ये किसी सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, और ये भी किसी सरफेस पर। अब देखो इस M1 मास के ब्लॉक पर जो टेंशन लग रहा है वो इससे अवे लगेगा, दैट इज टी टेंशन। और M2 मास पर जो ब्लॉक, M2 मास पर जो टेंशन लग रहा है वो इससे अवे लगेगा, इस रस्सी में, दैट इज टी। रस्सी के हर पॉइंट पर अगर ये दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड हैं तो हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम, इसलिए मैं दोनों को टी से डिनोट कर रहा हूं। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस M2 ब्लॉक पर F फोर्स लग रहा है। और मैं एसोलेशन किधर लग रहा है, इधर की तरफ, दैट मींस मैं बोल सकता हूं इस ब्लॉक पर भी एसोलेशन किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ, और इस पर भी किधर लग रहा है, इधर की तरफ। क्लियर है? अब देखो आप
यहां आपको एक्सप्लेन करना है सबसे पहले एफबीडी में, आपको यहां एक्सप्लेन कर चुका, लेकिन आपको यहां जो एक्सप्लेन करना है वो सिस्टम का एक्सेलरेशन और टेंशन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो यहां से मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूं। मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था, जब एलिवेटर की बात की थी मैंने आपको, वहां लिफ्ट और एलिवेटर के कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया था आपको एक साइन कन्वेंशन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो आपको पॉजिटिव लेना है और उससे जो अपोजिट डायरेक्शन है वो हमेशा क्या लेनी है, नेगेटिव। तो देखो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर। तो यहां आप देखो, यहां जो इक्वेशन बन के आएगी, तो टी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसको लो टी, बराबर नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा, दैट इज एम वन ए, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, मास एम वन है, तो जो टेंशन है वो नेट फोर्स के बराबर होगा, दैट इज एम वन ए। यहां देखो आप, यहां पॉजिटिव कौन सा फोर्स है, एफ, नेगेटिव कौन है, टेंशन, टी, बराबर नेट फोर्स के, और नेट फोर्स क्या है, एम टू ए, एम टू ए, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, मैं क्या करूंगा, ये टेंशन की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं सेकेंड इक्वेशन के अंदर, क्लियर है। तो देखो सेकेंड इक्वेशन है एफ माइनस टी बराबर एम टू ए, टी की वैल्यू कितनी है, एम वन ए, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, एफ माइनस एम वन ए बराबर एम टू ए, ये माइनस का उधर जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, एम वन ए प्लस एम टू ए, ठीक है। अगर आप यहां से ए कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा एम वन प्लस एम टू, और ये बचेगा बराबर एफ। तो आप यहां से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। यही आपके लिए एक ट्रिक का काम करेगी, ठीक है, यही आपके लिए किसका काम करेगी, एक ट्रिक का काम करेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके लिए एक ट्रिक का काम करेगी। अगर कोई ब्लॉक, दो ब्लॉक, सिर्फ मैं आपसे दो ब्लॉक की बात कर रहा हूं, अगर कोई दो ब्लॉक है, ठीक है, और उन दोनों ब्लॉक पर सेम फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स, दोनों पर फोर्स सेम लग रहा है, एक्सेलरेशन सेम लग रहा है, मास दोनों के अलग अलग हैं, तो उस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। अगेन, ऐसे कोई दो ब्लॉक जिनका मास अलग अलग है, सेम फोर्स लग रहा है, सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये आपके लिए ट्रिक का काम करेगा, मैं आपको डायरेक्ट सवाल के अंदर यही चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये तो आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल के आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, सिस्टम का टेंशन और निकालना है कितना होगा। तो देखो आप ए की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो टेंशन निकल आएगा, ठीक है। तो देखो आप यहां ये आ जाएगा टी बराबर एम वन, और ए की वैल्यू कितनी है, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, दैट इज हमें इस सिस्टम की वजह से टेंशन भी नहीं मिल गया, दैट इज एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें मिल गई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक तो ये और एक ये कि कभी भी दो बॉडी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है वो लगता है एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, कब, जब फोर्स सेम लग रहा हो दोनों बॉडीज पर, एक्सेलरेशन सेम लग रहा होगा, मास डिफरेंट हो, तो ए बराबर एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, और टेंशन कितना होगा, एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये तो है सिर्फ किन्हीं दो बॉडीज के लिए, इसको नोट करो, फिर मैं आपसे अभी एक्सप्लेन करता हूं फॉर थ्री बॉडीज। अब देखो फॉर थ्री बॉडीज, पहले मैंने टू बॉडीज के लिए एक्सप्लेन किया था, तो वहां दो ब्लॉक रखे थे, अब यहां मैं क्या रखूंगा, तीन ब्लॉक। देखो ये मेरे पास एक ब्लॉक ये है, ठीक है, और एक ब्लॉक ये रहा दो, और एक ब्लॉक ये रहा, दैट इज, ठीक, ये ब्लॉक किसी सरफेस पर रखे हुए हैं इस तरीके से, इस ब्लॉक का जो मास है वो m1 है, इस ब्लॉक का मास m2 है,
इस ब्लॉक का मास m3 है, ठीक है ना। और ये जो ब्लॉक है वो आपस में कनेक्टेड है रस्सी से, रोप से, इस तरीके से, ठीक है। ये भी और ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक। और मैं इस m3 वाले ब्लॉक को F4 से खींच के ले जा रहा हूं और एसेलेरेशन दे रखा है A। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एसेलेरेशन, ये सिस्टम है। तो आपसे फिर थ्योरी के अंदर क्या निकलवा रहा है कि इस पूरे सिस्टम का एसेलेरेशन निकालो, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम का टेंशन निकालो। अब आपको देखो दो चीज मिल गई। अब ये रस्सी है तो यहां टेंशन अलग जनरेट होगा और ये रस्सी है तो यहां टेंशन अलग जनरेट होगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक रस्सी के अंदर यहाँ जो दो बॉडी कनेक्टेड होती हैं आपस में, उनमें जो टेंशन होता है वो यहाँ सेम रहेगा। इन दोनों की वजह से यहाँ दोनों में सेम रहेगा। मतलब ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। क्लियर है ना। तो देखो कहने का मीनिंग क्या है कि आपसे सवाल में पूछा है कि एसोलेशन ऑफ द सिस्टम बताना है और टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले तो देखो टेंशन, इस M1 मास के ब्लॉक की वजह से जो इस पर टेंशन लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, बॉडी से अबे T। M2 की वजह से इधर लगेगा, दैट इज T। इसको मैं T1 बोल रहा हूँ, इसको भी T1 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो M2 की वजह से इस रस्सी में जो टेंशन जनरेट होगा इससे दूर लगेगा, दैट इज T2। M3 की वजह से इससे अबे लगेगा, दैट इज T2। अब देखो M3 ब्लॉक की वजह से इस पर जो टेंशन लगेगा वो अलग लगेगा, दैट इज क्या बोल देता हूँ T3, बॉडी से अबे। कोई दिक्कत, ये कंडीशन है। अब देखो एफ बी डी बना देते हैं हम इसका। पहले देखो एम वन मास के ब्लॉक के लिए एफ बी डी, ये एम वन मास, इस पर ये टेंशन टी वन इधर की तरफ, ठीक है, ए एसोलेशन से जा रहा है। दूसरा एम टू मास का ब्लॉक, इस पर टेंशन टी टू इधर की तरफ लग रहा है, एक टेंशन इस पर टी वन इधर की तरफ लग रहा है और ए एसोलेशन से इधर की तरफ जा रहा है। अब देखो एम थ्री मास का ब्लॉक, इस पर टेंशन T3 या फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और इस पर टेंशन T2 इधर की तरफ लग रहा है और A एसोलेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया था जिस डायरेक्शन में एसोलेशन होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट वाली क्या लेंगे, नेगेटिव। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा T1 बराबर टोटल फोर्स के, दैट इज एम वन ए, इक्वेशन नंबर वन। इस केस में देखो जिस डायरेक्शन में एसोलेशन वो पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू नेगेटिव। तो भैया देखो टी टू माइनस टी वन बराबर टोटल फोर्स, दैट इज एम टू ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहां जो टेंशन टी थ्री लग रहा है और जो फोर्स है, बात एक ही है, या आप टेंशन टी थ्री लिख लो या फोर्स लिख लो, एक ही चीज है। तो या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो जिस डायरेक्शन में एसोलेशन वो पॉजिटिव और अपोजिट वाला नेगेटिव, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि टी थ्री माइनस टी टू बराबर टोटल फोर्स, दैट इज वॉट एम थ्री ए, या फिर मैं ऐसे लिख दूं टी थ्री की जगह क्या लिख दूं एफ माइनस टी टू बराबर एम थ्री ए, बात एक ही है। क्लियर है। तो यहां जो टेंशन जनरेट होगा वो यही तो फोर्स होगा, ठीक है, तो दोनों चीजें एक ही हैं। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इनको सॉल्व करना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। एक काम करो, आपको एसोलेशन निकालना है तो इस टी वन की वैल्यू को पहले यहां पुट कर दो, यहां से पुट करोगे तो आपको टी टू मिल जाएगा और T2 को यहां से पुट कर दोगे तो आप यहां से एसोलेशन निकाल सकते हो। तो देखो T1 की वैल्यू कितनी है, M1A, यहां पुट कर दो M1A, दैट इज T2 माइनस M1A बराबर M2A, और इसको उधर लेके जाओगे तो क्या जाएगा T2 बराबर M1A प्लस M2A, ये निकल के आ गया T2। T2 की वैल्यू यहां पुट कर दो तो देखो ये क्या निकल के आ जाएगा, F माइनस M1A माइनस M2A, और उधर जाएगा तो सारी वैल्यू किसकी हो जाएंगी, पॉजिटिव की। तो F बराबर कितना आ जाएगा, M1A प्लस M2A प्लस M3A। अब आप क्या करेंगे, सब में से यहां से A कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर आप यहां से एसोलेशन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी ये चीज निकल के आ गई, A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो यही आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक का काम करेगी। अब क्लियर है, यही आपके लिए किसकी तरह काम करेगी, शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करेगी। ये बात क्लियर है। अगर दो ऑब्जेक्ट या दो सिस्टम
एक जो पूरा सिस्टम है, दो जो ऑब्जेक्ट हैं, दो जो ब्लॉक हैं, अगर उन दोनों का मास अलग अलग है, सेम फोर्स से, सेम एसलेशन से मूव कर रहे हैं, तो उन पर जो एसलेशन लगता था वो एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू लगता था। लेकिन अगर तीन ब्लॉक हैं जिनका मास अलग अलग है, तीनों का एसलेशन सेम है, फोर्स सेम है, तब उस पर पूरे सिस्टम पर एसलेशन कितना करेगा, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। दैट मीन्स आपको मैं अब यहां एक्सप्लेन कर दूं, अगर इस तरीके से एन ब्लॉक लगे हुए हैं, एन ब्लॉक, सब पर फोर्स सेम है, एसलेशन सेम है, तो पूरे सिस्टम का जो एसलेशन आएगा वो कितना आएगा, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस डॉट 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 एम एन। ये आपको एक ट्रिक मिल गई, इस तरीके से लॉजिक काम करेगा आपका। ट्रिक कुछ नहीं होता, लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है। आपको भी पूरा फॉर्म नहीं करना, अगर आपको सवाल के अंदर एसलेशन निकलवाए तो आप इजिली कैलकुलेट कर दोगे तीन सिस्टम के लिए एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, दो सिस्टम के लिए एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, चार सिस्टम के लिए एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर। बशर्ते याद रखना कि उनका मास सबका अलग अलग हो, ठीक है, एसलेशन सेम हो और फोर्स सेम हो, तो ही ये लॉजिक काम करेगा, ठीक है। अब तो ये तो गया एसलेशन, अब टेंशन निकाल दो। देखो यहाँ टेंशन अलग अलग लग रहा है इस सिस्टम के अंदर, टी वन ये लग रहा है, टी टू भी लग रहा, तो हमें क्या निकालना है, टी वन और टी टू अलग अलग कैलकुलेट करने। तो देखो पहले टी वन कैलकुलेट करते हैं, टी वन, तो टी वन ये रहा, तो टी वन बराबर एम वन ए, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एम वन ए, ए की वैल्यू कितनी है, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये आपका आ गया टी वन, ठीक है। अब देखो आप टी टू कैलकुलेट कर दो, आप टी टू एक काम करो, सबसे ज्यादा आसान है इस इक्वेशन से निकालना, ये हो जाएगा टी टू, जब आप कैलकुलेट करोगे यहां से तो आ जाएगा एफ माइनस एम थ्री ए, भाई एम थ्री इधर आ जाएगा, टी टू उधर पहुंच जाएगा, तो यहां से आप जब टी टू को निकालोगे तो ये आ जाएगा एफ माइनस एम थ्री ए बराबर टी टू, और देखो हो जाएगा एफ माइनस एम थ्री, और ए की वैल्यू यहां पुट कर दो, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री बराबर टी टू, ये आपका टेंशन टी टू निकल के आ गया, ठीक है। एफ माइनस एम थ्री एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जो मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज हैं उसके अंदर यही दो थ्योरी है, इसके अलावा आपको कोई भी थ्योरी और नहीं करनी है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ 9 से 10 सवाल कराने हैं, तो बहुत अमेजिंग सवाल हैं, उनसे आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डिफरेंट लेवल के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, ठीक है। ये नोट करो, फिर मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिविन फिगर इफ एम वन इक्वल्स टू 5 किलोग्राम, एम टू इक्वल्स टू 10 किलोग्राम एंड एफ इक्वल्स टू 80 न्यूटन एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स और स्ट्रेस फोर्स विल बी, यानी तनाव हमसे निकलवा रहा है इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए 26.5 न्यूटन, ऑप्शन बी 26.6 न्यूटन, ऑप्शन सी 26.4 न्यूटन, ऑप्शन डी 26.3 न्यूटन, ठीक है। तो देखो सवाल हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एम मास के दो ब्लॉक दे रखे हैं, एक तो ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, ठीक है, इस तरीके से किसी सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक, और ये आपस में कनेक्टेड हैं रस्सी से, ये एम वन ये एम टू। उसने सवाल के अंदर गिवन है जो M1 है वो 5 किलोग्राम है और M2 है वो 10 किलोग्राम है, ठीक है, और इस पर जो F फोर्स है इसको खींच रहा है वो कितना है 80 न्यूटन और एसलेशन किधर लग रहा है A। तो हमसे सवाल के अंदर क्या निकलवा रहा है, T टेंशन बताओ कितना होगा। तो देखो इस सवाल को करने का दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस केस पर मैंने आपको अभी सिखाया था टेंशन क्या बताया था, एम वन इन टू ए, और ए क्या बताया था, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो डायरेक्ट यहां से जो टेंशन का मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया था वो ये दिया था, एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इजिली आंसर मिल जाएगा, ऐसे नहीं करना तो लॉजिक से भी आपको मैं सिखा देता हूँ, लॉजिक आना मस्ट है,
फॉर्मूले से तो इससे काम चल जाएगा, आपके लिए ट्रिक का काम करेगी, लेकिन लॉजिक आना भी मस्ट है। ठीक, क्लियर है? तो देखो यहां पहले मैं आपको इस फॉर्मूले से कराता हूं। तो m1 की वैल्यू कितनी है? 5, f कितना है? 80, m1 कितना? 5 और 10, 10 और 5 15, 5 3 जा 3, तो ये आ जाएगा 80/3। अब 80/3 का मतलब आ गया 26.66 न्यूटन। क्लियर है? अब देखो लॉजिक से, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला बेस्ड। मैं इसका पहले FBD बनाता हूँ। ये आपका M1 मास का ब्लॉक और ये आपका M2 मास का ब्लॉक। क्लियर है? अब देखो रस्सी पर जो टेंशन लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, इस ब्लॉक की वजह से इस पर इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ टेंशन T इधर की तरफ और यहाँ इधर की तरफ फोर्स, इधर की तरफ टेंशन T, ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया था, ये हो जाएगा आपका T1 बराबर M1A और M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5A, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका टेंशन निकल के आ गया 5A। इसमें देखो आप F-T, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। F-T बराबर M2A, देखो F की वैल्यू कितनी है? 80 न्यूटन। माइनस T बराबर M2 की वैल्यू कितनी है? 10A। एक काम करो, टेंशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 5A, तो ये कितना हो जाएगा? 80-5A, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15A। एसलेशन आपसे यहाँ कितना निकल के आ जाएगा? 18/5। सिंपल है, वही चीज़ निकल के आ रही है। देख लो, आप इस एसलेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टेंशन निकल आएगा। M1 इंटू ए, M1 कितना था? 5, ए कितना है? 80/15, तो 5 3 जै 15, 80/3, दैट इज 26.67 न्यूटन। तो वही मैंने कॉन्सेप्ट से किया है, वही मैंने इस लॉजिक को लगाया है। आपके लिए आसान कि आपको फॉर्मूला ये ट्रिक की तरह काम करेंगे, आपको लॉजिकली आने चाहिए। ठीक है, ये नोट करो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एंड पुल्ड टू द राइट विद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इफ M1 इक्वल टू 10 किलोग्राम, M2 इक्वल टू 20 किलोग्राम एंड M3 इक्वल टू 30 किलोग्राम, देन द वैल्यू ऑफ T2। यानी 3 ब्लॉक जुड़े हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, क्षैतिज घर्षण रहित टेबल पर और 60 न्यूटन के बल के साथ दाईं ओर खींचा जा रहा है। तो यदि M1 बराबर 10 किलोग्राम, M2 बराबर 20 और M3 बराबर 30 किलोग्राम है तो T2 का मान होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो फिगर को समझो, उसके बाद मैं आपको इस सवाल को कराता हूँ। ये आपको फिगर दे रखा है, 3 बॉडीज के लिए दे रखा है, आपसे क्या निकलवा रहा है? T2 निकलवा रहा है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट अभी इस पर फॉर्मूला कराया था। फॉर्मूला ये था, जब T2 निकाल रहा था तो मैंने फॉर्मूला आपको कराया था, T2 बराबर F-M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये कराया था मैंने। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, फिर आपको लॉजिक भी कराता हूं। पहले ये देखो आप, तो कितने फोर्स है दाईं तरफ खींच रहा है? 60 न्यूटन। ठीक है, माइनस M3 कितना है? 30, F कितना है? 60 अपॉन तीनों का सम 20, 10, 30 और 30, 60। अब देखो 60 से 60 खत्म और 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। यानी जो टेंशन T2 होगा उसमें कितना होगा? वो 30 न्यूटन लगेगा। यानी यहाँ पे ये तो हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड। लॉजिक देख लो एक बार। अब मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, FBD का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो यहाँ से आप निकालो, पहले वाले ब्लॉक के लिए T1 बराबर कितना हो जाएगा? M1A, जो A एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है। ठीक है, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा? M1A, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस के लिए देखो आप, T2 माइनस T1 बराबर M2A, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन देखो आप, F-T2 बराबर M3A, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब M1 की वैल्यू कितनी है? M1 की वैल्यू है आपके पास वॉट? 10 किलोग्राम, तो यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगा 10A। तो देखो ये आपके पास आ गया 10A। अब आप यहाँ T1 की वैल्यू पुट कर दो तो T2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? T2 माइनस 10A बराबर M2 की वैल्यू कितनी है? 20, ये हो जाएगा 20A। अब देखो T2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 30A। अब आप देखो सिंपल, T2 हमसे निकलवा रहा है, एक्सेलरेशन निकाल दो। 3 बॉडी के लिए मैंने आपको एक्सेलरेशन क्या सिखाया था? एक्सेलरेशन बताया था F अपॉन M1 प्लस M2
प्लस एम थ्री, यही तो बताया था। जब कोई कांस्टेंट फोर्स यानी सॉरी जब कोई सेम एसलेशन से ठीक है और उस पर फोर्स भी सेम लग रहा हो, मास अलग अलग हो, तब एसलेशन इतना होगा तीन बॉडी के लिए। तो देखो एफ या ये फॉर्मूला लगा दो और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 और एम वन प्लस एम टू एम थ्री कितना मिल के आ जाएगा 30 20 और 10 ये 60। तो एसलेशन देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या वैल्यू पुट कर दो 13 टू 1 कितना आ जाएगा 30, टी टू बताओ कितना आ गया 30 न्यूटन। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो लॉजिक सिखाया था वही है, क्लियर है ना। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं जो ब्लॉक के केस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितना टाइम आपका सेव हो रहा है। और हमें डिफेंस के पेपर में करना क्या है, फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें करना क्या है अपने टाइम को बचाना है। तो आपको ये लॉजिक याद रखने पड़ेंगे डायरेक्ट आपको एसलेशन और टेंशन के फॉर्मूला। मैंने आपको सिर्फ दो ही केस कराए हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नोट करो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है टू मासेस M1 एंड M2 आर एसोलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन फिगर, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ टेंशंस T1 बाई T2, ऑप्शन ए M1 अपॉन M2, ऑप्शन बी M2 अपॉन M1, ऑप्शन सी M1 प्लस M2 अपॉन M2 और ऑप्शन डी M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। देखो फिगर हमको ये दे रखा है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि ये T1 बाई T2 का रेशियो क्या होगा, T1 बटे T2, और ऑप्शन आपको गिवन है, क्लियर है। तो देखो यहाँ से आप लॉजिकली FBD ड्रॉ करके भी कर सकते हो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, T1 बराबर M1A, इक्वेशन नंबर 1, अगर ये एसलेशन से मूव कर रहा है कोई प्रॉब्लम। अब देखो M2 के लिए ये क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में एसलेशन ये T2 माइनस T1, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 बराबर नेट फोर्स M2A, इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक काम करो, T1 मेरे पास है, T2 मुझे बताना है, तो T1 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो ये आ जाएगा T2 माइनस M1A बराबर M2A। तो देखो T2 कितना हो जाएगा M1A प्लस M2A, क्लियर है। अब सिंपल आप दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर दो, तो देखो ये क्या आ जाएगा, T1 बटे T2 बराबर T1 की वैल्यू कितनी है M1A, T2 की वैल्यू कितनी है M1A प्लस M2A, यहाँ से A कॉमन आ जाएगा तो बचा क्या, A से A खत्म, तो M1 प्लस M2, यानी आपके पास आ जाएगा दोनों का रेशियो M1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। नोट करो फिर मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, द रेशियो ऑफ T1 एंड T2 इज, आपको फिगर दे रखा है। इस सवाल के अंदर आपसे बोल रहा है कि जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका था कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, सरफेस कैसी होंगी, स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस। तो हमसे सवाल के अंदर बोल रहा है कि T1 बाई T2 दोनों का रेशियो क्या होगा, ऑप्शंस आपको गिवन है। पहला ऑप्शन है √3/2, ऑप्शन बी √1/3, ऑप्शन सी √1/5, ऑप्शन डी √5/1, ठीक है। तो देखो यहां से सिंपल FBD ड्रॉ कर लो, या आप तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। देखो T2 बराबर कितना आ जाएगा 3A, इक्वेशन नंबर 1, ये अगर A एसलेशन से मूव कर रहा है। यहाँ से आप देखो इसके लिए क्या हो जाएगा सेकंड केस, T1 माइनस T2 बराबर वॉट 12A, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है ना। तो जिस डायरेक्शन में एसलेशन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आप देखो T2 की वैल्यू पुट कर दो, T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा ये 3A बराबर 12A, 3 उधर जाएगा तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15A, इक्वेशन नंबर 2, बस सिंपल। तो देखो आप T1 बाई T2 बराबर कितना हो जाएगा, T1 की वैल्यू 15A अपॉन T2 की वैल्यू 3A, A से A खत्म, 3 से 5 खत्म, तो कितना आ जाएगा 5:1, आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नोट करो फिर मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि
अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अ रोप ऑफ मास स्मॉल एम. इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोप द नेट फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ब्लॉक विल बी ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी एम एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ऑप्शन सी एफ स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस एम, ऑप्शन डी एफ कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम. देखो सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल में हमसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स आपको एक्सप्लेन करना है. ये आपके पास एक एम मास का ब्लॉक है, कैपिटल मास है एम है उसका, ये रस्सी है जो बंधी हुई है, रस्सी रोप, दिस इज रोप रस्सी, इसका मास कितना है स्मॉल एम. ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि जो नेट फोर्स इस ब्लॉक के द्वारा लगेगा वो बताओ कितना है. तो नेट फोर्स थ्रू ब्लॉक, ठीक है. और हमसे सवाल के अंदर ये भी बोला गया है कि इसका जो फ्री एंड है इससे इस पर फोर्स किसको खींचा जा रहा है. ठीक है, तो मैं आपसे यहां बात करूं कि टोटल मास क्या होगा इस पूरे सिस्टम का. तो टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम, पहली बात तो ये सिस्टम का आप टोटल मास निकालो, एक तो ब्लॉक का मास और एक रस्सी का मास, ये टोटल मास आ जाएगा. टोटल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना आ जाएगा, ब्लॉक का मास प्लस रस्सी का मास. अब यहां पे निकालो एक्सेलरेशन, त्वरण, क्या निकालना है हमें, त्वरण एक्सेलरेशन. तो वो कितना होता है, टोटल फोर्स, ठीक है, अपॉन टोटल मास. टोटल मास कितना है, ये रहा टोटल मास. टोटल फोर्स कितना है, इतने फोर्स से इसको खींचा जा रहा है. तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. अब देख लो सिंपल, अब क्या निकाल दो, फोर्स ऑन एम मास ब्लॉक, ठीक है, कैपिटल मास का जो ब्लॉक है उस पर फोर्स कितना लगेगा, मास यानी इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इनटू त्वरण, और इस पर मास कितना है, कैपिटल एम. तो देखो एम इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ अपॉन एम प्लस स्मॉल एम. तो आपका आ गया आंसर. तो इसके एम मास के ब्लॉक पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, कैपिटल एम एफ अपॉन एम प्लस स्मॉल एम. तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं एक जबरदस्त क्वेश्चन और कराता हूं. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम इज पुल्ड बाय अ रोप लेंथ 6 मीटर ऑन अ सरफेस बाय अ फोर्स 106 न्यूटन अप्लाइड एट द अदर एंड. द लीनियर डेंसिटी ऑफ द रोप इज 0.5 किलोग्राम पर मीटर. द फोर्स एक्टिंग ऑन 50 किलोग्राम मास इज ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी 100 न्यूटन, ऑप्शन सी 150 न्यूटन, ऑप्शन डी 20 न्यूटन. ठीक है, तो देखो सवाल ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एम मास का ब्लॉक है जीरा, और इस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है, 50 किलोग्राम. ठीक है, और इस पर एक रस्सी से इसको खींचा जा रहा है. ठीक है, ये रस्सी है, ये रस्सी से बंधा हुआ है. ठीक है, और रस्सी कितने मीटर की है, वो रस्सी आपको गिवन है आई थिंक 6 मीटर. ठीक है, रस्सी आपको दे रखा है उससे 6 मीटर की है. तो रस्सी की जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी है, 6 मीटर. और बोल रहा है यहां से इस रस्सी से कितने फोर्सेस को खींचा जा रहा है, 106 न्यूटन, 106 न्यूटन से इसको खींचा जा रहा है. अब हमसे बोल रहा है उसने एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन इस सवाल के अंदर उसने गिवन की हुई है, दैट इज लीनियर डेंसिटी, रेखीय घनत्व. उसने उसमें दे रखा है जो लीनियर डेंसिटी दे रखी है रोप की, वो दे रखी है 0.5 किलोग्राम पर मीटर. इसका मतलब क्या है, पहले देखो लीनियर डेंसिटी, रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी वो उसको गिवन है 0.5 किलोग्राम पर मीटर, यानी एक मीटर में इतना उसमें मास होगा 0.5 किलोग्राम. इसका मीनिंग ये है, लीनियर डेंसिटी रेखीय घनत्व का मीनिंग है कि एक मीटर में उस रस्सी में इतना मास होगा 0.5 किलोग्राम. आपसे सवाल में पूछ रहा है कि फोर्स 50 किलोग्राम इस ब्लॉक के द्वारा इस पर, इसके द्वारा कितना फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा 50 किलोग्राम के ब्लॉक के द्वारा.
तो देखो मैं आपसे ध्यान से देखना, इसी टाइप का लगभग सवाल था इससे जो पहले वाला था, ठीक है। तो देखो यहाँ हमें फोर्स निकालना है, फोर्स ड्यू टू 50 किलोग्राम ब्लॉक। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब द्रव्यमान, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है। तो मास ऐसा कितना दे रखा है 50। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सोचो ध्यान से, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ इस पर जितना फोर्स लग रहा है वो वाला एफ अपॉन टोटल मास। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एफ अपॉन यानी टोटल फोर्सेस को जो खींचा जा रहा है वो कितना, 186 न्यूटन, ये मेरे पास है। और लेकिन निकालना क्या है, टोटल मास, टोटल मास किस किस का, रस्सी का और ब्लॉक का। बात समझ में आ रही है? तो देखो टोटल मास आप निकाल दो, टोटल मास, टोटल द्रव्यमान किसका, एक तो ब्लॉक का मास दैट इज 50 किलोग्राम, आपको रस्सी का मास और निकालना है। तो देखो कितने मीटर की रस्सी है, 6 मीटर की रस्सी है, 1 मीटर में कितना है मास, 1 मीटर में आपका 0.5 किलोग्राम, तो 6 मीटर में कितना होगा, 6 × 0.5 दैट इज 3 किलोग्राम, यानी जो 6 मीटर की रस्सी है इसमें कितना मास होगा, 3 किलोग्राम। तो बताओ कितना हो जाएगा, 50 + 3 = 53। तो टोटल मास कितना निकल के आ गया रस्सी और ब्लॉक के द्वारा, 53। वैल्यू पुट कर दो, एफ की वैल्यू कितनी है, 186 अपॉन 53। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 m/s² आ गया त्वरण यानी एक्सेलरेशन। पुट कर दो यहाँ आप 2 की वैल्यू, ये आ गया 2, तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। क्लियर है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 100 न्यूटन। ये नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है 3 ब्लॉक्स हूज मास m1 = m, m2 = 2m, m3 = 3m आर कनेक्टेड टूगेदर बाय अ रोप ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। अ फोर्स F इज अप्लाइड टू द मास m1, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a1, a2 and a3 रेस्पेक्टिवली, देन ऑप्शन आपके गिवन है a1 < a2 < a3, ऑप्शन बी है आपका a1 > a2 > a3, ऑप्शन सी है a1 > a2 = a3, और ऑप्शन डी है a1 = a2 = a3। कॉन्सेप्ट का सवाल है बहुत आसान सवाल है। देखो तो ये हमें एक फ्रिक्शन लेस सरफेस दे रखी है, ये आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, और तीन आपको ब्लॉक गिवन है m1 m2 m3, इनके मासेस आपको गिवन है m1 का m, m2 का 2m, m3 का 3m, और इन सबके एक्सेलरेशन गिवन है। देखो ध्यान से, बहुत इस पर चौक यानी इस पर चौक या मार्कर चलाने की नीड नहीं है सवाल को करने के लिए, यहीं से हो जाएगा ये सॉल्व। देखो मासेस डिफरेंट है, सेम फोर्स लग रहा है तीनों ब्लॉक पर, तो बताओ एक्सेलरेशन कैसा लगेगा तीनों पर, सेम लगेगा नहीं लगेगा? अगर सेम फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा लगेगा, सेम लगेगा। क्लियर है ना? तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, a1 = a2 = a3, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम फोर्स लग रहा है, तो इन पर और मासेस अलग अलग हैं, तो एक्सेलरेशन भी कैसा लगेगा, इन पर सेम लगेगा। क्लियर है? तो a1 = a2 = a3। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही कराऊंगा, और यहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ब्लॉक के कॉन्सेप्ट। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा पुली पर बेस्ड थ्योरी और क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके बाद हमारा NLM यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियोज की नोटिफिकेशन।